नमस्कार, वीएस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मैक्रोनी की रेसिपी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये बहुत ही टेस्टी, चटपटी और इंडियन स्टाइल मैक्रोनी है। तो आइए, चलिए बनाना शुरू करते हैं इंडियन स्टाइल मैक्रोनी। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई रख ली है और इसमें मैंने एक चम्मच भर के ऑयल का डाल दिया है। मैक्रोनी मैंने पहले से बॉईल करके रख ली है, उसको मैंने पानी में, गर्म पानी में एक आधा चम्मच नमक और थोड़ा सा ऑयल डालकर उबाल लिया है और उसको छान कर ठंडा पानी डालकर अलग से रख लिया है छान के। और यहाँ पे अब मैं डालूँगी 5-6 कलियाँ लहसुन की बारीक कटी हुई और इनको भून लेंगे हल्का सा इस तरह से चलाते हुए। और अब हम इसमें डालेंगे प्याज, ये मैंने 2 अनियन बारीक कट करके ले रखे हैं, अब इनको भी इसके साथ ही चला लेंगे। इनको हमने बिल्कुल भी ऐसे ब्राउन नहीं करना, ना डार्क भूनना है, बस हल्के से सॉफ्ट करने हैं इस तरीके से। अब मैंने ऊपर से डाल दी है टमाटो प्यूरी, ये मैंने 3 टमाटर लिए थे, उनकी प्यूरी बना ली थी मैंने। अगर आप मैक्रोनी या पास्ता बनाएं उसमें प्यूरी का ही यूज़ करें। यहाँ पे डालिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच डाला है मैंने नमक, क्योंकि नमक मैंने वहाँ मैक्रोनी बॉईल करी थी तब डाल लिया था, इसलिए नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ही डालिए देख के। यहाँ पे मैंने डाल दी है काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये मैंने स्वीट कॉर्न पहले से बॉईल करके रख लिए थे, बस 5 मिनट के लिए मैंने बॉईल कर लिए थे। मैक्रोनी में इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, आप इसको इसमें मैक्रोनी में या पास्ता में इस तरह से डाल के बना के देखें। और फिर हम इनको प्यूरी में हल्का सा भून लेंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि हमारी प्यूरी नीचे ना लगे, इस तरीके से बस 1 चम्मच पानी डालना है हमने। और यहाँ पर मैं डालूँगी अब थोड़ी सी रेड चिली सॉस, बिल्कुल 1 चम्मच ली है मैंने, और इसको हम मिक्स कर लेंगे इसमें। और अब डाली है मैंने इसमें टमाटो केचप, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा मैक्रोनी में। यहाँ पे मैंने मसाले बहुत तेज़ नहीं किए हैं, मीडियम ही मसाले रखे हैं, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा तेज़ मसाले खाए भी नहीं जाते। ये बहुत ही सिंपल तरीके से कम मसाले में तैयार की गई मैक्रोनी, आप इस तरीके से बना के देखिएगा। यहाँ पर अब हमारी ये ग्रेवी और मसाला तैयार है, अब हम इसमें डालेंगे जो मैंने मैक्रोनी बॉईल कर रखी थी इस तरीके से, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। और फ्रेंड्स, आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में या छोटे जैसे किसी भी टाइम भूख लगती है उस टाइम हल्का फुल्का स्नैक्स हो जाता है ये, और बच्चों का बहुत ही फेवरेट है। अगर आप चाहें तो इसमें जो आपकी पसंद की वेजिटेबल हो वो भी डाल सकते हैं काट के। इसको अच्छी तरह से मिला दिया है और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं स्प्रिंग अनियन, और इसको भी इसके साथ ही हम मिला लेंगे इस तरह से, ताकि इसमें सारे मैक्रोनी में इस सारे मसाले का और सॉस का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और ये डाले हैं मैंने ऊपर से मिक्स हर्ब, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और फ्रेंड्स, ये मैक्रोनी मैं बता नहीं सकती आपको कितनी टेस्टी बनके तैयार होगी, और ना इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट चाहिए हमें और ना ज़्यादा तेज़ मसाले हैं। ये थोड़े से मेरे को मिक्स अब कम लगे थे तो मैंने थोड़े से और डाल दिए ऊपर से। देखिए हमारी मैक्रोनी कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं इसको सर्विंग प्लेट में निकाल दूँगी। रेसिपी देखने के लिए धन्यवाद।